बाय बाय। अच्छा लगा विजिट कर, हम अपने हमारा जो शेयर मार्केट का चैनल है उसमें भी दिख दे देंगे कि कौन से भी चालू है इसका शेयर कर दे रहा, आगे जैसी हवा बढ़ेगी आपका शेयर बढ़ेगा।
के बारे में भी आपको कुछ टिप्स दिए, जानकारी दी, और जैसे महाभारत काल के भी कुछ रोचक तथ्य भी बताए, तो ऐसा नहीं है सिर्फ ट्रैवल ब्लॉग था। स्ट्रॉबेरी का दर्शकों को दिखाया कि नहीं पता नहीं। हाँ, स्ट्रॉबेरी का फार्म है, बहुत ही अच्छी ऑर्गेनिक स्ट्रॉबेरी यहाँ पे। हाँ, ये देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगी, फार्म भी हम दिखाएंगे आपको। ये देखिए यहाँ पे फ्रेश, ये से फ्रेश स्ट्रॉबेरी मिल जाएगी आपको। फार्म भी दिखाना चाहिए, खुशनुमा मौसम है। खुशनुमा मौसम है, मज़ा आ रहा है। ब्लॉक भी है, कुछ रोचक तथ्य भी जानने को मिल रहा है। कुछ सैलानी जो है अच्छा नहीं कर रहे हैं, ऊपर जाना नहीं चाहिए, दिल पे अपेक्षा जीव महत्व है। एडवाइजरी ब्लॉग भी है, इंफॉर्मेटिव भी है, यहाँ पे ऐसा चलता है, उससे नहीं चलता है, रूल्स में गर्म पानी आप
और रोड का काम भी शुरू है यहाँ पे। बाबू रानी ये दिखाया है अंदर को, बाबू रानी तो पर्पल सॉन्ग। हाँ, वहाँ पे आके अपना नाम लिखवा सकते हैं और अमर हो सकते हैं इतिहास के पन्नों में। यहाँ के सुनहरे पत्थरों पे आपका नाम लिखा जाएगा। वहाँ सबसे पहले मेरे को भेजा था किसी सर ने बांगो डैम के सैंपल के। मतलब वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम्स होते थे ना, वो बोट ये हायर करनी पड़ती 1000 रुपये दे दे के। ये वो बहुत पॉपुलर हुआ था वो बांगो, बांगो का ये बांगो जाने के लिए नाम पे पता नहीं क्या होता था, लेकिन वो बोटिंग के नाम पे शायद बोट करते थे कि नहीं करते थे। हाँ, वो कैसा था वो स्पॉट पे जाके वो लाइट लॉन्ग दिया जाता था, उसी कोऑर्डिनेट पे जाके अंदर गोताखोर को भी हायर करके गोताखोर के हाथ से वो तुमको सैंपल लाना था। तो कौन करेगा उसमें गोताखोर ये सब हायर? तो ये लोग उधर से ही पानी भर लेते थे तालाब के पास से ही, कुछ बोट वोट करते नहीं थे और 2000 बोट के और 1000 रुपये उसके गोटा घोर के लगा देते थे। तो वो बांगो बहुत पॉपुलर हुआ था, तो ये बापड़े सर बोलते थे बांगो बांगो बांगो। अरे बापड़े सर का एक वीडियो है मेरे पास, अभी मैंने वीडियो निकाला था उनका, ऐसे मैं बाबा जी में बैठा था उनके, वो उनको पता नहीं वो अल्ट्राटेक से कोई फोन आया था तापस सर का या कोई तो भी, तो नहीं रिपोर्ट कौन सी होना, अक्टूबर के होना है कि दिसंबर के होना है? हमने तो हाँ हाँ ठीक है भेज दे। आधी बातें तो क्या बोलते हैं उन्हीं को पता है।
पे इधर तो एक तो यादे किसी का फोन आया था जैसा कॉल वाले का ही था शायद अंतर का तो बोले कि कुछ हो जाता था कभी कभी लफ्टर नहीं टाइम पर पहुँच पाते एक दो दिन लेट हो जाता था एक आध दिन तो सर को फोन आया कि इतना टीम आज आने वाली थी ना तो कॉल आने वाली थी ना बोले तो नहीं बोले टीम कल पहुँच जाएगी बोले वो पिछले कल की बात कर रहा कि कल आने वाले थे बोलते आओ कल पहुंच जाएगी बोले बाजू वाला चर्च था ना वहाँ पे रोज होता है लगता कुछ नहीं एक तो पता नहीं आज संडे है वैसे भी तो आज हो सकता है हर संडे को होता होगा तो फर्स्ट जनवरी इसलिए कल तो फर्स्ट थे इसलिए आज संडे है तो मतलब संडे को होता वो मेरे घर के तरफ में एक चर्च है छोटा सा उसके बाजू में एक हॉल है तो हर दिन वहाँ पे संडे को या जहाँ पे सब लोग
करते हैं और वहाँ पे उनको बाइबिल पढ़ाया जाता है। अच्छा। मतलब और एक मतलब स्पीकर में एक मतलब पर्सन रहता है वो समझाता रहता है कि प्रभु ईसा मसीह ने ये किया और फिर वो उसको आदमी चंगा हो गया और इस तरीके से वो बहुत ज़्यादा वो चालू रहता है। वो स्पॉट है जहाँ पर अपन रुके थे फोटो किया था। अब थोड़ा 18 और चिकल दरा 13 दिखाएगा। नाम के बारे में तो मैंने बताया नहीं और सब चिखल दरा नाम है इसका, लेकिन वो चिखल दरा नहीं है, एक्चुअली वो मिर्चक दरा है। और सब का जो की गई है मैं सालों तक महाभारत काल में पढ़ा था वो नाम, और अभी आज कलयुग में आते आते किचक दरा का चिखल दरा हो गया। जो कल हम गए थे स्पॉट पर वहाँ पर कीचक का वध किया था और उसको उस खाई में फेंक दिया था।
यहाँ पे आज बिल्कुल है, और वहाँ पर पूरे उनके हाथ रक्त रंजित हो गए थे, शरीर में तुल तुल लग गया था पीछे का, तो उसको साफ करने के लिए उन्होंने स्नान किया था जहाँ पर उसका नाम है आज बिल्कुल। और कीचक का वध करने की वजह से कीचक दादा नाम पड़ गया, और उसका खराब प्रयोग करने की वजह से वो चिकन दरा बन गया। तो ये कहानी है, ध्यान रखो। ये रोड बन जाएगा ना तो मजा आ जाएगा। सही, ये गाड़ी के पहिए छोटे हैं ना, ज्यादा ये होता है।